Yes, please ask. पहले 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे, अभी लाइंस एंड एंगल्स के जो भी डाउट्स है पूछ लो। क्वेश्चन 16 मतलब क्वेश्चन 1, एनी डाउट? नो सर। बाकी के स्टूडेंट जिनको भी सॉल्व नहीं हो पाए प्लीज आस्क। और आपको स्पेशली 900 क्लास को जो मैंने रिजल्ट भेजा है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली ओनली 5 स्टूडेंट्स आर देयर अबव 90। वी नीड एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स अबव 90। देयर शुड बी एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट सेकंड 17 एनी डाउट? हैव यू सॉल्व्ड इट? यस सर, उधर व्यू सॉल्यूशन नहीं मिल रही सर, व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। व्यू सॉल्यूशन का किसी को नहीं मिला ऑप्शन? अच्छा एक मिनट मैं ऑन कर देता हूँ। देखो वैसे भी गोविंद सर ने पीडीएफ भेजा है तो वहां पे आपको पीडीएफ में आंसर्स दिए हैं। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू व्यू द सॉल्यूशंस नो प्रॉब्लम, स्टिल मैं व्यू सॉल्यूशन कर देता हूँ ताकि आप मोबाइल ऐप में भी ओपन कर सके। सॉल्यूशंस ऑन। ओके अभी देख लो। सेव द सेटिंग्स। यस नाउ यू कैन चेक। कैन यू व्यू द सॉल्यूशंस? नो सर। क्वेश्चन नंबर 19, उसके पहले 18 देख लो और इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था। सी हमें यहाँ पे एंगल एक्स फाइंड करना है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को समझो मैं नाम देता हूँ पी। ऑलरेडी लाइन एल पैरेलल टू एम दिया हुआ है। अभी इस पॉइंट से और एक रे ड्रॉ करो से पी क्यू एंड इट शुड ऑल्सो बी पैरेलल टू लाइन एल एंड एम। सो ये भी पैरेलल रहेगा तो उससे क्या होगा, ये 65 है तो ये भी 65 आएगा विच इज अल्टरनेट इंटीरियर। ये 40 है तो ये भी 40 आएगा एंड नेचुरली एक्स इज सम ऑफ दिस 65 एंड 40 दैट इज 105। तो ये कंस्ट्रक्शन याद रखो, ये तुरंत आंसर आपको मिल जाता है एंगल एक्स अगर फाइंड करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन द फिगर एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, दीज टू आर पैरेलल लाइंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी देखो ये 70 है तो ये भी 70 आएगा। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द रीजन?
स्क्रीन पे देख रहे सब लोग, रीजन बोलो, वीडियो ऑन करो अपना अपना. यस दिस इज 70. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Visible, sir. So, why this is 70? Alternate parallel. Alternative. Vertical opposite angle. This is corresponding angle. Corresponding angle मतलब transversal के एक side, ऊपर या नीचे, upward. Now they are on the left hand side, एक साइड, और पैरेलल लाइन के एक साइड, ट्रांसवर्सल के वन साइड में और दोनों पैरेलल लाइन के वन साइड. ओके, दिस आर करेस्पोंडिंग एंगल, सो दिस इज 70. नाउ वी कैन ऑल्सो सी हियर दैट दिस 70 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर, मीन्स 70 will be x plus 30. So that means x will be 40 degree. That is option C is correct. Okay. Remote interior angle theorem. याद है ना सब लोगों को? तो यहाँ पे हमने दो concept use किए. One is corresponding angles and another is exterior angle is the sum of remote interior angles. So like this orally we can solve the questions if we have attended the lectures properly. Okay. Anyways, I will take all the questions in sequence. जो भी doubt है आपको उसमें cover हो ही जाएगा. AB is parallel to CD. हमें ये दिया है 148. फिर से ऐसा structure जहाँ पे बनता है ना, ये इस point से और एक ऐसा parallel line draw कर लेगा. तो ये 148 क्या है, इट विल बी टू एंगल्स. अभी आप देख सकते हो कि ये 132 है, ये समझो हमने पी क्यू ड्रॉ किया पैरेलल टू ए बी एंड सी डी. तो यहाँ 132 है, तो ये जो पार्ट है ये आएगा 180 माइनस 132 बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स. और यहाँ ए एक्स है तो ये एक्स आएगा, ठीक है. तो x प्लस ये जो एंगल है दैट विल बी 180 माइनस 132, वो फाइंड आउट कर लो. 10 माइनस 2 8 48 डिग्री. तो x प्लस 48 विल बी 148, है ना. ये पूरा एंगल 148 है और ये छोटा एंगल जो है ये 48 डिग्री है. सो x प्लस 48 विल बी 148, दैट मीन्स x विल बी 100 डिग्री, ऑप्शन ए. Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे बोलो रे. Yes, videos on. Yes, sir. The explained again. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes, yes sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक बार revise करो. देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये पूरा एंगल 148 डिग्री है. अभी यहाँ पॉइंट पी से हम एक पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं से पी क्यू, ठीक है. इसकी वजह से क्या होगा, अभी पी क्यू और सी डी पैरेलल होगा तो ए एंगल एक्स है, तो ये इतना आधा जो एंगल है वो एक्स आएगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. और बाद में ये जो हाफ पार्ट है 148 का बचा हुआ दूसरा पार्ट, ये 132 है तो ये 180 माइनस 132 आएगा क्योंकि दे आर को इंटीरियर एंगल्स. 180 माइनस 132 दैट इज 48 डिग्री. अभी टोटल ये 148 है ये पूरा एंगल, इसमें से एक पार्ट है एक्स और दूसरा पार्ट है 48, तो टोटल है 148. एक्स प्लस 48 इक्वल टू 148, सो एक्स विल बी 100 डिग्री. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ हमने दो कंसेप्ट यूज किए, एक इन दोनों को इंटीरियर का सम 180 रहता है और दूसरा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्स एक्स इक्वल रहते हैं.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. वंस अगेन लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, तो एल और एम पैरेलल दिया हुआ है तो इसकी वजह से ये 65 और ए एंगल भी 65 आएगा, बिकॉज वंस अगेन दे आर करस्पोंडिंग एंगल्स. हाँ मुझे लग रहा है सो रहे हैं बच्चे. ठीक है, करस्पोंडिंग एंगल्स. अभी ये 65 है, वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर, मतलब x प्लस 20 आएगा 65. ये एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी बताया था आपको अगर याद है, एक्सटीरियर एंगल जो रहता है इसका ये एडजेसेंट इंटीरियर है और ये दोनों रिमोट इंटीरियर. तो ये एक्सटीरियर समझो अगर x है और ये y z है तो x इज इक्वल टू y प्लस z आता है, दैट इज द प्रॉपर्टी. तो ये 65 जो है x और 20 का सम आएगा, मतलब हमें x मिलेगा 65 माइनस 20, दैट इज 45. ऑप्शन बी इज करेक्ट. x का वैल्यू पूछा. सो वी हैव यूज्ड हियर टू कॉन्सेप्ट्स, करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल और दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर, इन दोनों का सम आएगा 65. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. ये भी आसान है, देखो वो कर करस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको एकदम केक वॉक लगेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा सॉल्व करने में. ओके, यहाँ पे दिया है ए बी इज पैरेलल टू एच एफ, सो दिस लाइन ए बी इट इज पैरेलल टू एच एफ, ये दो पैरेलल है तो मैं वहां पे मार्क करके रखता हूँ. यहाँ पे एक एरो और यहाँ पे एक एरो, ये दो पैरेलल है. डी ई इज पैरेलल टू एफ जी, डी ई इज पैरेलल टू एफ जी, दिस टू आर ऑल्सो गिवन एज पैरेलल. देन फाइंड द मेजर ऑफ एफ डी ई, एफ डी ई मतलब ए एंगल जो है इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है. अभी देखो यहाँ पे ये टोटल तीन एंगल्स है, ये एंगल ए डी एफ, एंगल एफ डी ए और एंगल 72, इन तीनों का सम 180 आएगा, है ना, बिकॉज दे आर एंगल्स ऑन वन लाइन, एक ही लाइन पे है वो एंगल, तो इन तीनों का सम 180 आएगा. उसमें से एक 72 है, ये 28 आएगा, ये वाला छोटा है ये 28 आएगा. Can anybody tell why? Corresponding angle. Yes, they are corresponding angles. Very good. ये 28 है. अभी एफ डी ई हमें फाइंड करना है, ये वाला बीच वाला एंगल, उसको हम अजूम करते हैं x. So now we can say x plus 28 plus 72 is equal to 180. क्योंकि इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री. That's all. यहाँ से x मिल जाएगा. 28 plus 72 कितना आएगा रे? 100. और x का वैल्यू 180 माइनस 100 80. So option B is correct. कुछ लोगों ने तुक्का लगाया ये 90 जैसा दिखता है इसीलिए 90, बहुत सारे लोगों का ये रॉन्ग आया, 90 आंसर नहीं है, 80 डिग्री है. तो डायग्राम को देखो मत, डायग्राम को सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. एल इज पैरेलल टू एम, दिस टू लाइंस आर पैरेलल. What is the value of x? तो यहाँ दो अननोन वेरिएबल्स है x एंड y. पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों को इक्वल लेंगे और ये दोनों वेरिएबल y में है तो इन दोनों को अगर मैंने इक्वल लिया 3y is equal to 2y plus 25 because they are alternate interior angles,
दे आर इक्वल, तो 2y को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो y का वैल्यू मुझे 25 मिला। अभी y का वैल्यू 25 मैंने अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो 25 टू जा 50, 50 प्लस 25 ये आएगा एंगल 75 डिग्री, और इसका अपोजिट ये x प्लस 15 है तो x प्लस 15 भी आएगा 75 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। x प्लस 15 विल बी 75, सो x विल बी 75 माइनस 15 60 डिग्री। हमें x का वैल्यू पूछा गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। दो कंसेप्ट यूज किए, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लिए और दूसरा कंसेप्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने इक्वल लिए। 75 इक्वल टू x प्लस 15 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स सी ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट 24, L1 पैरेलल L2, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दिस एंगल इज 37, सो बिकॉज दिस इज 37 तो इसका लीनियर पेयर में ये एंगल आएगा। डायग्राम देखो स्क्रीन पे ध्यान से, 37 और इसके साथ ये जो है ये लीनियर पेयर में आएगा, सो दिस विल बी 180 माइनस 37। हाउ मच 180 माइनस 37? 143। वेरी गुड, 143। तो ये एंगल 143 डिग्री आएगा। अभी ये एंगल 143 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो है इतना पूरा ये भी 143 आएगा, है ना? Yes, sir. और ये 58 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये 53 आएगा, सॉरी 58 ही आएगा। ओके अभी आप ही सोचो, ये थोड़ा सा पार्ट 58 है, ये थोड़ा सा पार्ट x है और उन दोनों का एडिशन 143 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x plus 58 equal to 143. We will get the value of x. 85 degree option B. ठीक है, once again, क्या दो concept use किए फिर से यहाँ पे? एक concept था, total तीन concept actually. What all things we have used? पहला 37 डिग्री है उसका लिनियर पेयर में ये 143 आएगा, तो ये पहला कंसेप्ट। ये 143 है तो ये पूरा एंगल 143 ही आएगा। ये 58 है तो ये वर्टिकली अपोजिट 58 आएगा। ये 58 और x दोनों का सम आएगा 143 लगे। सो पहले हमने लिनियर पेयर का कंसेप्ट यूज किया, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल और तीसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तीन कंसेप्ट का यूज करके आंसर फाइंड आउट किया। आपने अगर लेवल वन लेवल टू के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आसान लग रहे होंगे। कैन एनीबडी टेल मी इफ स्पेशली दोज हु आर हैविंग सीबीएसई बोर्ड, कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम विच बुक आर दीज क्वेश्चंस? Why I told this? Because the reason is next time you would be prepared. Next time वो objective question भी solve करके आना। MTG में ही है वो, actually ये सारे question MTG में डाले हैं। RD शर्मा में जो भी MCQs हैं वो सारे MTG में दिए हुए हैं। So there is no problem if you solve MTG, that is sufficient. Okay. Question number 25. PQ is parallel to RS. ये दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है। थोड़ा सा ध्यान देके बहुत सारी चीजें दी है। एंगल AEF 95, एंगल AEF ये एंगल 95 डिग्री है और BHS इज 110, BHS दैट इज दिस एंगल इज 110 डिग्री, एंगल BHS। एंगल ए बी सी एक्स दिया हुआ है, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
अभी आप देख सकते हैं कि ये 95 है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, PQ एंड RS, तो ये करस्पोंडिंग एंगल भी 95 आएगा। ओके, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल GHB है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 आता है। ओके, तो यहाँ एक एंगल x है, दूसरा हम और ये दूसरा और तीसरा फाइंड आउट करेंगे। अभी आप देखो एंगल G कितना आएगा इस ट्राइंगल में, ये 95 है तो इसका लीनियर बेस ये एंगल G है, सो एंगल G विल बी हाउ मच, 85 डिग्री। और ये 110 है तो ये एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे एंगल G प्लस एंगल H प्लस एंगल B विल बी 180। एंगल G हमें मिला 85 प्लस एंगल H 70 प्लस एंगल B X इक्वल टू 180। यहाँ से X का वैल्यू मिल जाएगा, सो 85 प्लस 70 155, 180 माइनस 155 25 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा ट्राइंगल के कंसेप्ट और पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के कंसेप्ट, यही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। और इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू आर एबल टू सी द टाइमिंग ऑल्सो, मैं एक्सप्लेन करके भी उसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करवा रहा हूँ। That means if you are solving by yourself, you would take hardly the whole paper to complete. 15 questions थे, तो actually 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए पेपर। Yes. Okay. Next, two lines AB and CD intersect at O. इसका diagram draw कर लेना पहले। दो lines है AB and CD. So let us take AB, this is one line, and CD, this is second line. हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि AOC plus COB plus BOD is 270 degree. AOC मतलब ये angle number one, COB ये point O है, ये angle number two, angle number three BOD. तीनों का सम 270 है तो AOC कितना रहेगा। अभी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 एंगल बनते हैं, उसमें से 14 एंगल ये 90 डिग्री आएगा, क्यों, कैन एनीबॉडी टेल व्हाई? यस सर, व्हाई रिफ्लेक्शन फॉर एंगल एंगल AOD, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों एंगल का सम कितना आएगा बोलो, 360. Very good. 360 because it is complete angle. उसमें से तीन एंगल का सम 270 है, तो चौथा एंगल naturally कितना आएगा? 90. 90. So fourth angle will be 90. Reflection angle AOD भी आता ना? तो अगर AOD 90 degree है, तो उसका opposite भी है 90 आएगा, angle 2. और उसका लीनियर पेयर में एंगल 1 भी 90 आएगा और एंगल 3 भी 90 आएगा। इन शॉर्ट चारों एंगल 90 डिग्री है ईच, एंड हमें पूछा है ये AOC, सो AOC विल आल्सो बी 90 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब ऐसे दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अभी एक एंगल ये 90 है तो दूसरा उसका वर्टिकली अपोजिट आएगा वो भी 90, और ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में रहते हैं तो उनका सम 180 आएगा, तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 आएगा, वैसे ये भी 90 आएगा, सो ऑल फोर एंगल्स विल बी ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं और उन तीन स्टेटमेंट में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, कौन कौन से ट्रू है वो हमें पूछा गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट
पहला बोला गया वन ओनली, दूसरा टू ओनली, थ्री ओनली और चौथा ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड ओनली। सो लेट अस डिस्कस दिस। यस यस एमटीजी के डाउट्स हम लेने वाले हैं, डोंट वरी। पहले हम ये टेस्ट के डाउट्स कंप्लीट कर लेते हैं, बस 30 क्वेश्चन से दो तीन ही बचे हैं। ओके पहला है ए प्लस बी इक्वल टू डी प्लस सी। आप देखेंगे ये जो ए प्लस बी है ये पूरा ऐसा एंगल बन रहा है इतना ए प्लस बी। ओके और डी प्लस सी ये ऐसा एंगल है, ये है डी प्लस सी। अभी आप देख के चेक करो कि वेदर दे आर इक्वल, एक्चुअली इफ दे विल बी इक्वल इफ दे आर वर्टिकली अपोजिट। पूरा ए प्लस बी मतलब एक एंगल कंसिडर करो उसको, और पूरा सी प्लस डी जो भी है डी प्लस सी कंसिडर इट एज वन फुल एंगल। आर दे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? विच ए प्लस बी इसको एंगल वन बोलो और डी प्लस सी इसको एंगल टू बोलो, तो एंगल वन और पूरा एंगल टू आर दे वर्टिकली अपोजिट? नो सर। नो दैट मीन्स वन इज नॉट एट ऑल ट्रू, दिस इज फॉल्स। बाद में है ए सी ई, तीनों एंगल का सम आएगा 180, दैट वी नीड टू क्रॉस चेक 180 आता है कि नहीं सेकंड स्टेटमेंट। सो ए सी ई देखो एंगल ए एंगल सी एंड एंगल ई, अभी देखा जाए तो क्लियरली टोटल देयर आर 6 एंगल्स, तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ ऑल 6 एंगल्स 6 है 5 है सॉरी डी ई एफ 6 है डी प्लस ई प्लस एफ इन 6 एंगल का सम 360 डिग्री आएगा बिकॉज दे फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, तो इसकी वजह से 360 डिग्री आएगा। उसमें से ये जो तीन है ए सी ई इन तीनों का सम 180 आता है ऐसा बोला गया। नाउ वेदर इट इज रियली 180 दैट वी नीड टू क्रॉस चेक। सो इसके लिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट पहले यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस गिव नेम्स, दिस इज लाइन एल एम एन, दिस थ्री लाइन्स आर देयर। अभी ये जो तीनों लाइन्स है दे आर इंटरसेक्टिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे एल और एम हम वो देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल ई दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो बी और ई इक्वल है। वैसे ही एंगल ए एंड एंगल डी दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो दे आर इक्वल। सिमिलरली एंगल सी एंड एंगल एफ दे आर इक्वल। तो अभी अभी हमने बोला कि इन 6 एंगल्स का एडिशन 360 है, उसमें से ये तीन पेयर इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें ए प्लस सी प्लस ई 180 मिलता है क्या चेक करो। तो ए प्लस बी के जगह हम रखेंगे ई प्लस सी प्लस डी, डी के जगह हम रखेंगे ए प्लस ई एज इट इज प्लस एफ के जगह पे रखेंगे सी, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको टू ए प्लस ए टू ए प्लस ई प्लस ई टू ई प्लस सी प्लस सी टू सी इज इक्वल टू 360। टू से डिवाइड करो तो ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स दिस इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आएगा करेक्ट या तो ऑप्शन डी आएगा, दोनों में से एक करेक्ट आएगा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। अभी थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट सेज बी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस ई, बी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस ई। देखो अभी यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल एफ और एंगल सी प्लस एंगल ई,
सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये जो एफ प्लस ई है और बी प्लस सी है, आई एम सॉरी, बी प्लस एफ, जस्ट अ मिनट, हाँ तो बी प्लस एफ एंड सी प्लस ई ऐसा बोला गया. हम पहले अभी यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों का सम बी प्लस सी इज इक्वल टू ई प्लस एफ, ऐसा है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. डायग्राम देख के हम बोल सकते हैं बी प्लस सी और ई प्लस एफ इक्वल है. ठीक है, अभी यहाँ बोला गया बी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस ई, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर. बी प्लस सी इज इक्वल टू ई प्लस एफ तो हमें मिला डायग्राम देख के समझ में आया. ऐसा पॉसिबल है क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है. इक्वल है इसी के कारण बी के जगह पे हम ई लिख सकते हैं और यहाँ ई के जगह पे बी लिख सकते हैं. तो बी प्लस एफ और सी प्लस ई दोनों इक्वल आएंगे. सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेकंड एंड थर्ड बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28. ये भी सिंपल है, वैसे ही सॉल्व करना है. वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है. सो वी कैन कंसिडर दिस एज एंगल एक्स. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ये 90 डिग्री है और इतना जो एंगल है 3x प्लस 10 और ये एक्स और ये 90, ये तीनों एंगल का सम 180 आएगा. ओके, तो 3x प्लस 10 प्लस ए एक्स, ए एक्स क्यों आया? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है इस एक्स के साथ. तो एक्स प्लस 90 दैट विल बी इक्वल टू 180. सो 3x प्लस एक्स 4x, 90 प्लस 10 100 इज इक्वल टू 180. 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 80. x इज इक्वल टू 20. हमें फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में पूछा गया वैल्यू ऑफ x. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, लाइन एल एंड लाइन एम, एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स मतलब ये पास वाले, ये और ये, दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल. उसमें एक कॉमन रे रहता है, याद है सब लोगों को? एक कॉमन रे और ये दो अनकॉमन रे. एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, एक्चुअली सप्लीमेंट्री रहते हैं. ये ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, पहला वाला फॉल्स है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, श्योरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज. सम केसेस इट मे बी बट नॉट ट्रू ऑलवेज. तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड ट्रू है. सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन, वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, देन द मेजर ऑफ एंगल. देखो, एक एंगल को हमने एक्स लिया तो उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स आएगा, और हमें कंडीशन दिया है कि वन एंगल एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, 3 टाइम्स 180 माइनस एक्स. सो एक्स विल बी 540 माइनस 3x. 3x को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 4x इक्वल टू 540. x का वैल्यू आएगा 540 अपॉन 4, दैट इज हाउ मच? फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, 135. फोर फाइव जा ट्वेंटी,
135 डिग्री। ओके, ये कंडीशन आपको यूज करना है, याद रखना। सप्लीमेंट्री मतलब एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स आएगा। सो विद दिस वी कंप्लीट द डाउट्स फ्रॉम द टेस्ट। वैभव बेटा, आपने लाइव क्लास अटेंड किया, रिकॉर्डिंग क्यों पूछ रहे हो?